अरे अरे क्या कर रहा है, क्या कर रहा है ये? ना वैसे आप लोगों की रोमांस करती हुई पिक्चर्स काफी अच्छी आई, वैसे कोई भी वेबसाइट वाला या चैनल वाला इसके लाख रुपए तो दे ही देगा। मेरी फोटोज डिलीट करवाना। धीरे से चिल्लाओ, आवाज थोड़ी नीचे रख। इस जंगल में बहुत सारे जंगली जानवर रहते हैं, अगर उन जानवरों ने तुम्हारी आवाज सुन ली तो तुम्हारी आवाज हमेशा हमेशा के लिए बंद कर। जानवर यहाँ? गौर से देखो मुझे, इस जंगल का सबसे खतरनाक जानवर मैं हूँ, राहुल मल्होत्रा, स्टिल फोटोग्राफर, मेरा शौक और मेरा धंधा। वैसे तो मेरा बाप मेरे लिए करोड़ों की प्रॉपर्टी छोड़ के गया है, लेकिन फिर भी मैं अपने दम पे कुछ करना चाहता था, तो इसीलिए कैमरा लेकर इतनी सुनसान जगहों पे निकल जाता हूँ तुम जैसे प्रेमियों की तस्वीरें लेने के लिए, और उससे अपनी कमाई करता हूँ। देखिए देखिए वो मैं हम नहीं दोगे? नहीं दोगे तो इन तस्वीरों को? देखिए हम लोग बहुत गरीब लोग हैं। जानता हूँ, इसलिए तुम्हारी औकात के हिसाब से पैसा मांग रहा हूँ। अगर तुम अमीर होते तो इन झाड़ियों में थोड़ी रोमांस करते। खैर वो छोड़ो, हर महीने की 20 तारीख को मेरे नहीं 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 20 तारीख को तो वो शास्त्री नगर वाला कपड़ा। हर महीने की 21 तारीख को 21 तारीख को तो वो गुलाबा वाला कपल है। तुम एक काम करो, हर महीने की 22 तारीख को 22 तारीख को तो मॉडल टाउन वाला आता है। हर महीने की 23 तारीख को तुम मेरे घर पे 10,000 रुपए दे के जाओ। ये रहा मेरा कार। अब क्या कर रहा है? कुछ नहीं साहब। क्या सनी देव उसका फिल्म देख रहा था। तेरी को यहाँ पे निगरानी करने के लिए रखा है, फिर निगाह सेकने के लिए। अगली बार से ध्यान रखना वरना। जब देखो डांटता रहता है खड़ूस कहीं का। रागिनी, रागिनी माय लव। आ गए आप, बड़ी देर कर दी आने में। हाँ क्या करे, अपना धंधा ही कुछ ऐसा है, कभी कभी ग्राहक कुछ देर से मिलते हैं। धंधा? लेकिन फोटोग्राफी तो तुम अपने शौक के लिए करते हो ना? शौक? अजीब अजीब शौक है मुझे। खैर छोड़ो, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। ये फ्रेग्रेंस मुझे पसंद नहीं। मगर मुझे पसंद है। लेकिन तुम लाए तो मेरे लिए हो ना? मतलब मेरी पसंद की चीज तुम्हें पसंद नहीं? हाँ कल को तुम बोलोगी तुम्हें मैं पसंद नहीं। ऐसा नहीं है राहुल। ऐसी ही बात है, तुम मुझे पसंद नहीं करती, तुम सिर्फ इस रिश्ते को ढो रही हो। राहुल मैं मैंने तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया? हाँ अपनी बचपन की प्रेमिका को छोड़ा, अपने पापा से बगावत की तुमसे शादी करने के लिए, और तुम मुझे ही पसंद नहीं करती हो। तुम गलत सोच रहे हो राहुल। मैं बिल्कुल सही सोच रहा हूँ। अगर मैं तुम्हें पसंद ही नहीं तो क्यों क्यों मेरी जिंदगी बर्बाद, क्यों क्यों मुझसे शादी? ऐसा नहीं है राहुल, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ राहुल। नहीं तुम मुझसे नहीं किसी और से प्यार करती हो। कौन है वो? नाम बोल इसका। राहुल तुम मुझ पे घिनौना इल्जाम लगा रहे हो। नाम बोल। राहुल तुम मेरी बेइज्जती कर रहे हो। वाह वाह वाह, बहुत बहादुरी दिखा रहा है तेरा बेटा। वो मेरा बेटा नहीं है, तू
मेरा बेटा है। उसके बाप की दुल्हन बनकर आई थी ना तो इस घर में, और मुझे इस नशे की दुनिया में मरने के लिए छोड़ दिया था। मैंने राहुल के बाप से शादी तुम्हारी जिंदगी संवारने के लिए की थी, लेकिन तुमने अपनी जिंदगी खुद ही बर्बाद कर ली। सोचा था उठा है कुछ ही दिन में मर जाएगा, मगर वो मरा नहीं। मुझसे शादी करते ही उसके जीने की तमन्ना और भी जाग गई। इसीलिए बेबी अब तो पीना ही पड़ेगा। तुम्हारा मरना तो जरूरी था, अगर तुम नहीं मरते तो तुम्हारे करोड़ों की प्रॉपर्टी की मालकिन कैसे बनती मैं? सॉरी हाँ, राहुल के बाप के मरने के बाद मुझे मेरे सपने सच होते हुए नजर आने लगे। मगर तेरे सपनों पर पानी तब फिर गया जब तेरे उस बूढ़े पति की वसीयत सामने आई। क्या बक रहे हो वाधवानी? मैं बक नहीं रहा हूँ मैम, इस विल में सब कुछ साफ साफ लिखा है। आज से 2 महीने पहले आपके पति ने सब कुछ अपने बेटे राहुल के नाम कर दिया था, राहुल के नाम। अब हर चीज में सिर्फ और सिर्फ राहुल का हक है, आपके और आपके बेटे के नाम कुछ नहीं छोड़ा। वो बुड्ढा इतना धोखेबाज निकला, इस बात का एम तो मुझे बिल्कुल ही नहीं था। इंसान जो बोता है उसे वही काटना पड़ता है। तूने उस बुड्ढे को मारा और उस बुड्ढे ने तुझे जीते जी मार दिया। आज वही लाकर खड़ा कर दिया जहां खड़े होकर तूने करोड़पति बनने का सपना देखा था। फरेब के रास्ते पे चलकर इस घर की मालकिन बनना चाहती थी ना तू, लेकिन आज एक एक पैसे के लिए उस राहुल के सामने हाथ फैलाना पड़ता है भिखारन की तरह। मुझे क्या मारती है? मारना है तो उस राहुल को मार, ताकि तेरा करोड़पति बनने का सपना हकीकत की शक्ल ले सके। मारूंगी उसे तो मैं जान से ही मारूंगी। I'm so sorry. दर्द हो रहा है, पता नहीं कभी कभी मैं इतना रूथलेस क्यों हो जाता हूं। वैसे आज मेरी गलती बिल्कुल भी नहीं थी, ना तुम अपनी जुबान खोलती ना मैं तुम पे हाथ उठाता। पता नहीं क्यों शैतान बनने पर मजबूर करते थे। देखो क्या हो गया। राहुल प्लीज। क्या हो गया? मेरा मूड नहीं है। मेरा तो है। प्लीज राहुल। क्या हो गया? हाँ पति हूं तुम्हारा। Come on, baby, let's have fun. मुझे दर्द हो रहा है। तो क्या हो गया? हाँ बीवी हो मेरी, तुम्हारे साथ नहीं तो किसके साथ? मुझे
मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, आपको जितने पैसे चाहिए मुझसे एक बार ले लो और प्लीज इस मामले को खत्म करो। मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज। सोचूंगा इस बारे में, अगले महीने कोई रास्ता निकाल लेंगे। अब तुम जा सकते हो। नंदू, 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 नंदू। जी राहुल बाबा। कह रहा है क्या? कितनी आवाज देनी पड़ती है तुझे? जी वो मैं कुछ काम कर रहा था। हाँ ठीक है ठीक है, चल जा अब यहां से। रागिनी, रागिनी। वो बाबा वो मॉर्निंग वॉक के लिए गई है। तुझसे पूछा मैंने? तुझसे पूछा? जी नहीं। तो फिर क्यों बोला? चल जा अपना काम कर। जी। अच्छा सुन। जी। कितने बजे तक मैडम ने आने को बोला है? 9 बजे तक। 9 बजे? अभी 9:04 हो गए हैं, अभी तक क्यों नहीं आई? क्यों नहीं आई वो? मैं तुझसे पूछ रहा हूँ, अभी तक क्यों नहीं आई? जी मुझे मुझे क्या पता? मुझे जवाब देता है। आ गई। कहाँ गई थी तुम? मैं वो जॉगिंग पे गई थी। 9 बजे आने का बोला था, अभी 9:04 हो गए। राहुल 4 मिनट में कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्क पड़ता है, इंसान की सिंसियरिटी का पता चलता है। तुम्हें पता है मेरी गर्लफ्रेंड 1 मिनट भी लेट नहीं होती थी, और उसकी यही अदा मुझे सबसे ज्यादा पसंद थी। हर बात पे आप अपनी गर्लफ्रेंड की तारीफ करके मेरी इंसल्ट करते हैं राहुल। तो तुमने ऐसा क्या किया है जिसे मैं तुम्हारी रिस्पेक्ट करूँ? हाँ, तुमसे शादी करके मैं पछता रहा हूँ, पता नहीं कब तक भुगतना पड़ेगा। अच्छा किया जो बहू का सबक सिखा दिया। बहुत मनमानी करने लगी थी बेटा, जब तुम घर पर नहीं होते हो ना। मैडम माया, रागिनी मेरी पत्नी है, और आप मेरे और मेरी पत्नी के बीच में दरार डालने की कोशिश मत कीजिए। अच्छी तरीके से वाकिफ हूँ आपके इरादों से। ये तुम कैसे बातें कर रही हो बेटा? मैं तुम्हारी माँ हूँ। तुम मेरी माँ नहीं हो, तुम सिर्फ मेरे पिताजी की दूसरी बीवी हो। मरते समय पिताजी को वादा किया था, इसलिए बर्दाश्त कर रहा हूं, वरना। इसमें हंसने की क्या बात है? हंसने की ही बात है मैडम, आप मूसा के पास आके बोल रही कि आपको कत्ल करवाना है। मैं एक प्रोफेशनल किलर हूँ, इसलिए लोग मेरे पास कत्ल करवाने के लिए आते हैं, कोई पूजा पाठ करवाने नहीं आता। अब बोलिए किसे टपकाना है आपको? मेरे बेटे को। क्या तुम तो मुझसे भी बड़ी कमी नहीं निकली, अपने ही बेटे को? वो मेरा सौतेला बेटा है। ओ, प्रॉपर्टी का मामला लगता है। 3 लाख? 5 लाख दूंगी मैं तुमको, मगर एक बात का ख्याल रखना, मेरा नाम सामने नहीं आना चाहिए। मूसा जब कत्ल करता है ना, तो सिर्फ खून बह आता है, किसी का नाम नहीं, समझी? लम्हे लम्हे की सियासत पर नजर रखते हैं, हम से दीवाने भी दुनिया की खबर रखते हैं। खैर ये रही हमारी चाल, अभी आप अपने बादशाह को संभालिए। बादशाह तो हम खुद है पंडित जी, ना हमें कोई हरा सकता है ना कोई मार सकता है। लेकिन खुदा गवाह कि घमंडी इंसान को उसका घमंड ही मार सकता है। पंडित जी ये मेरा घमंड नहीं है, ये मेरा आत्मविश्वास। इट वॉज माई सजेशन, नॉट एन एडवाइस। वॉचमैन, वॉचमैन, एक्सक्यूज मी। ओए, बहरा है क्या? कब से मैडम चिल्ला रही है? जी साहब, आया 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 साहब।
आप हम कब बुलाया मैडम? कब से आवाज दे रही थी तुमको, कहाँ ध्यान रहता है तुम्हारा, जाके गाड़ी साफ करो। हेलो, तुमको बोल रही हूँ मैं। हाँ मैडम। मैं नहा क्या हूँ तो गाड़ी मुझे रेडी चाहिए। जाओ। जाता हूँ मैडम। ओके, अब आप अपनी रानी को संभालिए। ये लीजिए पंडित जी, ये बाजी भी हम जीत गए। किस्मत के धनी हो राहुल, आज तुम्हारे साथ है। जिस दिन ये किस्मत तुम्हारा साथ छोड़ देगी, उस दिन अर्श से फर्श पे गिरोगे। मैं उन लोगों में से नहीं हूँ पंडित जी जो किस्मत जैसी दकियानुसी बातों पे विश्वास करते हैं। मैं उन लोगों में से हूँ जो खुद पर विश्वास करते हैं, खुद पर विश्वास करते हैं, खुदा पर भी नहीं। इट्स अ बैड जोक। अच्छा हम चलते हैं। हेलो, मैं बाद में बात करता हूं। कमीने तेरी, ये बचा, चल यहां से। मेरी नजरों के सामने से और इस शहर में भी दिखाई मत देना। अगर आज के बाद तेरा नाम भी मेरे कानों में सुनाई दिया तो तेरा वजूद खत्म कर दूंगा। तू भी याद रखना साहिब, जब तक हम अपना बेइज्जती का बदला नहीं ले लेता, ये शहर छोड़ के नहीं जाऊंगा, छोड़ूंगा नहीं। रागिनी, रागिनी, ये सब तेरी वजह से हुआ है। उस अय्याश को अंदर तूने उकसाने के लिए बुलाया था ना, अगर इतना ही शौक है अपने जिस्म की नुमाइश करने का तो जा, बैठ जा वैश्यों के बाजार में। ज़माने से चाह जिन्हें है, हमें आज़माने की आदत उन्हें है, हमें आज़माने की आदत उन्हें है। हमने ज़माने से चाह जिन्हें है, हमने ज़माने से चाह जिन्हें। हमने
सिनेमा मॉल में तुम उदास क्यों हो? परेशानी जिंदगी का हिस्सा बन चुकी है। राहुल से कुछ कहा सुनी हुई? ये रोज का हो गया है, बात बात पे राहुल मुझे बेइज्जत करता है। प्यार का एक अंश भी नहीं है हमारे बीच, अब तो बस रिश्ते निभा रहे हैं। सब कुछ है हमारे पास, फिर भी पता नहीं राहुल को क्या मजा आता है लोगों का फोटो निकाल कर उन्हें ब्लैकमेल करने में। राहुल को कुछ समझाती क्यों नहीं? समझाने का अंत झगड़े पे खत्म होता है। मेरे पास बस दो ही रास्ते हैं। पहला, मैं राहुल से तलाक लेकर उससे दूर चली जाऊं, या तो मैं सुसाइड कर लूं। हे बेबे, आई एम जॉनी। इतने प्यार से भी थैंक यू मत कहिए, कहीं जोश में आ गया तो इसकी और पिटाई कर दूंगा। नहीं नहीं, लड़ाई झगड़ा नहीं, जाने दीजिए उसे। चल निकल। देख लूंगा। अरे जाना, चल। देख लूंगा तुझे। अरे चल। अच्छा प्रिया, मैं चलती हूँ। अकेली जाएंगी आप? मैं हूँ ना, छोड़ दूंगा ना, आइए। नहीं नहीं, मैं चली जाऊंगी। अरे बहुत खतरनाक लोग हैं ये लोग, देखा नहीं कैसे देख रहा था घूर घूर के? बाहर खड़े होंगे, छोड़ता हूँ। अरे यार, मैं तो अपना इंट्रोडक्शन देना ही भूल गया। आई एम विवेक। नाइस नेम। आई एम विवेक। मेरा नाम विवेक है। बार बार आप अपना नाम क्यों बता रहे हैं? क्योंकि आप अपना नाम नहीं बता रही। ओह, मेरा नाम रागिनी है, रागिनी मल्होत्रा। एक बात बोल, आप बहुत खूबसूरत हैं। मुझे पता है। ये गाड़ी क्यों रुकी? क्योंकि मेरा घर आ गया। ओहो, लेकिन बातें तो पूरी नहीं हुई ना। एक काम करते हैं, कल हम लोग 4 बजे उसी रेस्टोरेंट में मिलते हैं। नहीं, मैं नहीं आ सकती। आपको आना पड़ेगा। मैं नहीं आ सकती। आपको आना ही पड़ेगा। क्या जिद है? मैं इंतजार करूंगा। 4 बजे, ठीक है? बाय। ओ हीरो, बोला ना नहीं आएगी। आएगी दोस्त, वो आएगी। अरे भाई, चाहे तो फोन ट्राई करके देख ले, वो नहीं आएगी। चल लॉन्ग ड्राइव पे चलते और बियर पीते। नहीं यार, वो आ रही होगी। देखा ना, 6 बज गया, बोला था नहीं आएगी, नहीं आई। चल लॉन्ग ड्राइव पे चलते और बियर पीते। अरे सुनना यार। बस ऐसे ही मेरा धंधा चलता रहे और मेरी अलमारी पैसों से भरी रहे। पैसा तेरा नहीं बच्चे, ये पैसा मेरा होगा, मेरा। तुम यहाँ कैसे? ऑटो से। मेरा मतलब मेरे घर पे क्या कर रहे हो? तुम तो मुझसे मिलने रेस्टोरेंट आई नहीं, तो मैंने सोचा कि मैं ही चलकर तुम्हारे घर तुमसे मिलकर आ जाता हूँ। तुम पागल हो, जाओ यहाँ से। चला जाऊंगा बाबा, 2 मिनट बात तो कर लो मुझसे। देखो सब घर पर है,
किसी ने देख लिया तो गड़बड़ हो जाएगी। जाओ। एक शर्त पर, एक वादा करो, कल 2 बजे मुझसे मिलने उसी रेस्टोरेंट में आओगी। मैं नहीं आऊंगी। तो 1 बजे आ जाना ना। देखो मैं नहीं आऊंगी। तो फिर मैं भी नहीं जा रहा हूँ। ओफो, क्या मुसीबत है। अच्छा ठीक है, मैं कल 1 बजे तुमसे मिलने रेस्टोरेंट में आऊंगी। अभी जाओ। ओके, आना। हाँ बाय। डर गई क्या? मैं भी यही सोच रहा था कि आजकल के जमाने की लड़की अपने पति के अत्याचार कैसे सह सकती है। लेकिन यहाँ तो कहानी में ट्विस्ट है। वो ट्विस्ट ये है कि पत्नी का एक यार भी है। नंदू तुम गलत समझ रहे हो। ना 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 ना, नंदू ने कभी भी कुछ समझने की कोशिश ही नहीं की। और अगर कभी समझने की कोशिश की तो उसमें गलतफहमी की गुंजाइश ही नहीं थी। तुम क्या बकवास कर रहे हो, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं बताता हूँ, मैं समझाता हूँ, मैं समझाता हूँ। मेरे ना हाथ में बहुत खुजली हो रही है, इस पर कुछ नोट मारो, खुजली दूर हो जाएगी, सब समझ में आ जाएगा। अपनी बकवास बंद करो। नंदू तेरी तो निकल पड़ी रे। क्यों आए थे तुम मेरे घर, पता है तुम्हारी वजह से कितना हंगामा होने वाला था। सच्ची? ओफो, अच्छा ये बताओ तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया। देखिए मैडम, घुमा फिरा कर बात करने की आदत तो अपनी बचपन से नहीं है, इसलिए सीधे सीधे मुद्दे पे आते हैं। I love you. What? Yes. देखिए मैडम, शक्ल सूरत पे मत जाइएगा, अंदर की क्वालिटी बहुत है, और इसी क्वालिटी की वजह से आज मैं भोजपुरी का हीरो बन रहा हूँ। फिल्म की शूटिंग चल रही है, उसका गाना भी बहुत जल्द रिलीज होने वाला है और हिट भी होगा। सूरत की दीवानी तो सारी दुनिया हो जाएगी, इसलिए आपको एडवांस में चांस दे रहा हूँ, समझी? ऐसा कुछ नहीं होगा क्योंकि मैं शादीशुदा हूँ। What? Yes. और अब मैं जा रही हूँ। ए, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। ओके, कोई बात नहीं, लेकिन हम दोस्त तो बन सकते हैं ना? यकीन मानिए, दोस्ती का सहारा लेकर कभी अपने प्यार का एहसास आपके सामने नहीं होने दूंगा। प्लीज अब मान जाइए। ओके। तो मिलाइए हाथ। अरे मालकिन जी, आप आ गई। नमस्ते। आहा, चेहरे की खुशी बता रही है कि दिन बहुत अच्छा गुजरा है ना? भाई गुजरेगा भी क्यों नहीं, प्रेमी के साथ जो पूरा दिन गुजरा है। अब मैं ये जानना चाहता था कि सिर्फ दिन गुजरता है कि रात भी है? नंदू, तुम अपनी औकात का दायरा पार करने की कोशिश कर रहे हो। तो रोक लो ना। मैडम रोक लो मेरे को, क्योंकि अगर मैं अपनी औकात का दायरा पार करने पे आ गया ना, तो मैं राहुल जी को सब कुछ बता दूंगा। कल रात जो तुमने देखा उसकी गलत तस्वीर तुमने अपने दिमाग में छाप ली है, ऐसा कुछ नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो। ठीक है जी, मैं वैसा ही राहुल जी को बताता हूँ जैसे मैंने देखा, फिर वो जाने उनका काम जाने। ठहरो। तुम अपनी जुबान बंद रखने की कीमत क्या लोगे? किस्तों में लूंगा, जैसे वो राहुल साहब लेते हैं आपके पति, 5,000 मिल जाएंगे। नमस्ते। मैं माया बोल रही हूँ। बोलिए माया जी, बोलिए। तुमने अभी तक उसकी सांसें बंद क्यों नहीं की? पैसा मैडम, पैसा। तुम्हें टोकन तो दिया था। फ्लैट खरीदने आए हो तुम, कि टोकन दिया और फ्लैट तुम्हारा हो गया? कत्ल करना चाहती हो तुम, कत्ल। और मूसा के भी कुछ उसूल हैं, जब तक रुपए में 12 आना मूसा की जेब में नहीं जाते, मूसा अपनी जेब से हथियार नहीं निकालता। ठीक है, आज सूरज डूबने से पहले तुम्हें तुम्हारे 8 आने मिल जाएंगे। पैसा मिलते ही तुम्हारा काम भी हो जाए। नहीं।
आवाज सुनी? ऐसी ही आवाज आएगी। राहुल मुझे कुछ पैसे चाहिए। पापा की वसीयत के हिसाब से मैं तुम्हें इस महीने की किश्त दे चुका हूँ, अब अगले महीने हाथ फैलाना। राहुल मैं तुम्हारी माँ हूँ, और एक माँ को भिखारी का दर्जा देते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम मेरी माँ नहीं हो, ये चीज मैं तुम्हें पहले कई बार समझा चुका हूँ। ओके ओके, मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ, लेकिन एक दुख भरी माँ को अपने बेटे के इलाज करने के लिए तो पैसे दे दो। मदद अकड़ कर नहीं, गिर गिड़ा कर मांगी जाती है। राहुल, मेरी मजबूरी तो समझो, किसी की जान का सवाल है, मुझे कुछ पैसे दे दो। अच्छा लगा आपका गिड़गिड़ाना, अच्छा लगा। कितने पैसे चाहिए? वाह, क्या बात है, जिसे मरवाना है उसी से पैसे लेके आ रही हो। वाह वाह, अच्छा। मगर इन पैसों के लिए मुझे राहुल के सामने बहुत गिड़गिड़ाना पड़ा, बहुत मिन्नतें करनी पड़ी। आज उसने मुझे मेरी नजरों में गिरा दिया, तड़पा तड़पा के मारना उसे, तड़पा तड़पा के। जितना तड़प तड़प के मरेगा वो, उतना ही सुकून मिलेगा मुझे, उतना तुम्हें भी सुकून मिलेगा। तुम्हें अगर और पैसे चाहिए मैं और पैसे दूंगी, लेकिन राहुल की मौत बहुत ही दर्दनाक होनी चाहिए, बहुत ही दर्दनाक। जितना गुस्सा मैं आपकी आंखों में अपने सौतेले बेटे के लिए देख रहा हूँ, उससे कई ज्यादा दर्द होगा उसकी आंखों में मरते वक्त। हम मारूंगा राहुल को, राहुल को हम मारूंगा। हमको मारा है? हमारी बेइज्जती की? अरे तू हमको जानता नहीं है बुड़बात, हमरे सामने तो सरपंच भी उठ के खड़ा हो जाता है, तू कौन चीज है बे? नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा। अरे बारिश हो रही है, आप थोड़ी देर और रुक जाते ना। देर हो जाएगी डेके साहब, चलता हूँ। लिसन, यहाँ पर सब लोग मुझे पंडित जी के नाम से जानते हैं, अंडरस्टैंड? डीके के नाम से कोई नहीं जानता, बात समझ में आई? ओके, दिस इज फॉर फ्यूचर रेफरेंस। बहुत कठिन है नगर पनघट की, बहुत कठिन है। I hate you, damn it. I hate you. One day I'll hit you hard when it hurts most. That's a promise. विवेक, विवेक, कहाँ हो तुम? वेलकम रागिनी। तुमने तो कहा था तुम्हारी तबीयत खराब है। तबीयत तो खराब है मेरी, देखो कितनी जोर जोर से मेरा दिल धड़क रहा है। अगर तुम थोड़ी देर और नहीं आती तो मेरा दिल फट जाता। विवेक, हम सिर्फ दोस्त हैं, और दोस्ती करते वक्त तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम ऐसी वैसी कोई बात नहीं करोगे। अच्छा, मुझे तो ऐसा कुछ भी याद नहीं है। अच्छा तो मैं जा रही हूँ। अरे सुनो सुनो सुनो, तो मैं तो मजाक कर रहा था। बात दरअसल ये है, आज मेरा बर्थडे है। ओह, हैप्पी बर्थडे। लेकिन तुम्हारे दोस्त नजर नहीं आ रहे। इस मतलब ही दुनिया में कोई मेरा दोस्त नहीं है तुम्हारे अलावा। ऐसा क्यों बोलते हो, मैं हूं ना। इसीलिए तो सिर्फ मैंने तुम्हें ही बुलाया है। Thank you.
इसीलिए तो सिर्फ मैंने तुम्हें ही बुलाया है। Thank you.
ना भाई प्रभात, चल निकाल मेरे शर्त के पैसे। कैसे शर्त, कैसे पैसे? अरे वो रागनी को पटा के उसके साथ सेक्स करने की शर्त लगाई थी हम लोगों ने। बताना क्या किया, कैसे किया, बोलना। अरे वो हुआ यूं, वाह क्या मस्त लड़की है यार। हाँ यार मस्त तो है, पर इसके चेहरे में उदासी कैसी? इस लड़की को तो मैं पटाऊंगा। तू पटाएगा? लगी शर्त। विवेक नाम है मेरा और विवेक कभी हारता नहीं है। अरे इसको पटाना तो मामूली बात है, इसको अपने प्यार के जाल में फंसा के बिस्तर तक लेके जाऊंगा। ऐसा है? तो लगा शर्त। इसने शर्त लगाई और जॉनी के साथ मिलके प्लान किया और फिर रागनी के साथ दोस्ती की। सही है। और कल किसी बहाने से रागनी को घर पे बुला के उसका काम तमाम कर दिया। मेरा जाने कहाँ रहा, हमें खो गए।
क्या कर रहे हो? पहले ही मेरी जिंदगी में जहर घोल के सुकून नहीं मिला। आई लव यू रागिनी। बकवास बंद करो। ये बकवास नहीं है। तुमसे प्यार का नाटक करते करते न जाने कब मैं तुमसे सच्चा प्यार करने लगा। तुमसे दूर होने के बाद न मुझे रातों को नींद आती है न दिन में चैन आता है। हर वक्त मेरी आंखों के सामने तुम्हारा ही अक्स घूमता है। मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है रागिनी। इन बातों का कोई मतलब नहीं। मैं शादीशुदा हूँ। किस शादी की बात कर रही हो तुम? किस शौहर की बात कर रही हो तुम जिसने तुम्हें कभी पत्नी का दर्जा दिया ही नहीं? तुम तो अपनी शादीशुदा जिंदगी से परेशान होकर आत्महत्या करने जा रही थी। फिर क्यों शादी की दुहाई दे रही हो तुम? क्यों शादी के लिए अपनी जिंदगी बर्बाद कर रही हो? क्यों अपना भविष्य बिगाड़ना चाहती हो? देखो रागिनी, मैं अपनी गलतियों का प्रायश्चित करना चाहता हूँ। तुम्हारी जिंदगी में खुशियां भर के उन आंसुओं को धोना चाहता हूँ जो मैंने तुम्हें अनजाने में दिए। प्लीज रागिनी, मुझे एक मौका दो। प्लीज रागिनी। चलो हम दोनों शादी के बंधन में बंधे। ऐसा भी नहीं हो सकता क्योंकि मैं राहुल के साथ अभी शादी के बंधन में बंधी हूँ। तो तोड़ दो ना उस बंधन को। तलाक दे दो उस राहुल को। इतना आसान नहीं है राहुल को तलाक देना। सही वक्त का इंतजार करो। सही वक्त आने पे मैं अपने आप को राहुल से आजाद करके हमेशा के लिए तुम्हारी जिंदगी में आ जाऊंगी। हेलो, मैं माया बोल रही हूँ। हाँ बोलिए माया जी। इस वक्त मैं हॉस्पिटल में हूँ। अपने बेटे का इतना सदमा लगा कि तुम अस्पताल पहुँच गई। आज मैंने अपने बेटे जिमी को जानबूझकर हॉस्पिटल में एडमिट करना है ताकि जिस वक्त तुम मेरे सौतेले बेटे राहुल का कत्ल करो उस वक्त मैं हॉस्पिटल में मौजूद रहूँ और पुलिस का शक भी मुझ पर ना। वाह वाह, जितना मैंने सोचा था तुम तो उससे ज्यादा चलाक हो। चलाक तो मैं हूँ ही, इसीलिए झोपड़पट्टी में पैदा होकर भी एक आलीशान घर में रह रही हूँ। एक ही तमन्ना रह गई, उस आलीशान घर की मालकिन बन जाऊं और ये तमन्ना आज पूरी हो जाए राहुल को मारने की। कब मारोगे राहुल? बहुत जल्द मौत उसके दरवाजे पर दस्तक देगी और बहुत जल्द खुशखबरी तुम्हारे पास पहुंच जाएगी। आपको जितना भी पैसा चाहिए आप ले लो, मगर आप मुझे मेरी और मेरी गर्लफ्रेंड की तस्वीर दे दो प्लीज। बड़े बुजुर्ग कहा करते थे, सोने के अंडे देने वाली मुर्गी को एक बार ना।
मेरी बीवी आ गई, चल तू जा। रागिनी कहाँ गई थी? मैं वो मैंने पूछा कहाँ गई थी? मैं वो मेरी सहेली प्रिया है ना, तो उसके साथ शट अप। अपने आशिक से मिलने गई थी। तू यहाँ पे क्या कर रहा है? विवेक तुम यहाँ क्यों आए? चले जाओ यहाँ से। नहीं रागिनी, आज मैं तुम्हें इस आदमी से आजाद करके ही रहूंगा। विवेक चुप कर कमीनी, अपनी जुबान बंद कर, चल यहाँ से, चल 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 चल। पहले तेरे आशिक से निपट लूं, फिर तुझे। सुनो, देखो राहुल, रागिनी तुम्हारे साथ खुश नहीं है। वो तुमसे तलाक लेकर मेरे साथ शादी करना चाहती है। मतलब तू मेरा घर तोड़ के खुद का घर बसाना चाहता है? हाँ बोल रागिनी। हेलो प्रिया, प्रिया सुन ना, जल्दी से मेरे घर पर आ जा। तुझे भी मैं जान से मार दूंगा। तू मुझे कुछ बताएगा? कुछ नहीं यार। अरे यार, हम तो तेरे फ्रेंड्स हैं, हमें नहीं बताएगा तो किसको बताएगा? मैंने कहा ना कुछ नहीं, तुम लोग जाओ प्लीज यहाँ से और मुझे अकेला छोड़ दो। राधिका चलो। ओह माय गॉड रागिनी, ये तूने क्या किया? मैंने नहीं, विवेक ने। क्या? विवेक ने राहुल को मार दिया। अब क्या होगा? विवेक को तो सजा हो जाएगी। नहीं, मैं विवेक को सजा नहीं होने दूंगी। उसने मेरी वजह से ये सब किया। मैं राहुल के खून का इल्जाम अपने सर ले लूंगी। पागल हो गई है क्या रागिनी? किसी के लिए तो अपनी जिंदगी खत्म कर देगी। किसी और के लिए नहीं, विवेक के लिए। विवेक मेरा प्यार है, मेरी जिंदगी है। फिर भी रागिनी देख, राहुल तो था ही इस लायक। राहुल की वजह से तू या विवेक क्यों सजा भुगते? क्यों अपनी जिंदगी खराब करे? हम एक काम करते हैं, राहुल की हत्या को आत्महत्या की शक्ल दे देते हैं। और हम पुलिस से कहेंगे कि तू रात भर मेरे साथ थी और जब हम सुबह आए तो हमें राहुल की लाश मिली। मुझे तो बहुत डर लग रहा है प्रिया। मैं हूँ ना, तू टेंशन मत ले। तू जा, मैं सब देख लूंगी, जा।
मरने वाले का नाम राहुल मल्होत्रा। आपसे क्या रिश्ता है? जी वो मेरा पति था। और आप? जी मैं प्रिया, राखिनी की दोस्त। यहीं रहती है? जी नहीं, कल रात राखिनी मेरे साथ थी और सुबह आकर देखा तो राहुल ने आत्महत्या कर ली थी। नहीं, मुझे नहीं लगता कि राहुल ने आत्महत्या की है। नहीं, उन्होंने आत्महत्या ही की है। ना, इन्होंने आत्महत्या नहीं की है, इनकी हत्या हुई है और इनकी हत्या को कोई आत्महत्या बनाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन आप ये कैसे कह सकते हैं? पहली बात, अगर इन्होंने आत्महत्या की होती तो गोली यहां नहीं, यहां मारता। दूसरी बात, बंदूक यहां है और लाश यहां। अगर इन्होंने आत्महत्या की होती तो बंदूक इनके हाथ में या इनके आसपास कहीं होती। अब आप मुझे ये बताइए कि कौन हो सकता है जो इनका कातिल हो? मुझे नहीं पता। ठीक है, तो पूरे घर की तलाशी लो। मुजरिम कोई ना कोई सुराग जरूर छोड़ गया होगा। यस सर। तब तक आप मुझे ये बताइए कि इस घर में कौन कौन रहता है? मैं और राहुल की सौतेली माँ, राहुल का सौतेला भाई और मेरा नौकर नंदू। सर, स्मोकिंग पाइप के तंबाकू के कुछ टुकड़े मिले हैं। मिसेस मल्होत्रा, इस घर में कोई पाइप पीता है? जी कोई नहीं पीता। ठीक है। सर, ये अंदर रूम से कुछ कोकेन पाउडर मिला है। मिसेस मल्होत्रा, आप ड्रग्स लेती हैं? जी वो राहुल का सौतेला भाई जिमी नशे का आदी है। तो क्या आप मुझे बता सकती हैं कि इस वक्त वो कहाँ है? जी वो 2 दिन से हॉस्पिटल में एडमिट है और उसके साथ उसकी माँ भी 2 दिन से वहीं है। सर, मैंने अलमारी की तलाशी ली तो उसमें गहने और पैसे गायब है सर। इसका मतलब है कि हत्या के साथ साथ चोरी भी हुई है। अब शायद चोर ने ही हत्या की होगी। पर चोर को क्या जरूरत थी हत्या को आत्महत्या का रूप देने की? एनीवे मिसेस मल्होत्रा, आपने मुझे सबके बारे में बताया। आपके पति के बारे में, अपने बारे में, आपके पति की सौतेली माँ के बारे में, आपके नौकर नंदू के बारे में भी कुछ बताइए। अब जी वो काफी देर से दिखाई नहीं दे रहा। क्या आप हमें नंदू जी का कमरा बता सकती हैं? अब जी हाँ। जाओ भाई, किसी को अपने साथ ले जाओ और नंदू साहब के कमरे की अच्छे से तलाशी लो। जी सर। ये ऊंट तो गया, अब बारी है राजा की।
का नौकर तो बड़े रंगीन मिजाज का लगता है, और कमरे की हालत देखकर तो लगता है कि आपका नौकर सब सामान लेकर भाग गया। कहां का रहने वाला है आपका नौकर? आप जी पता नहीं क्यों नौकरी पे रखने से पहले आपने उसका पुलिस वेरिफिकेशन नहीं करवाया था क्या? जी ये सारे काम राहुल करते थे, मुझे इसके बारे में कुछ भी पता नहीं। चलिए इसका पता तो हमारे खबरी लगा ही लेंगे। राहुल का खून हुआ घर में, और हमारे शक के दायरे में हैं तीन लोग, राहुल की सौतेली मां, राहुल का सौतेला भाई और घर का नौकर नंदू। राइट रॉन्ग। एक और इंसान है जिस पर हम शक नहीं कर रहे हैं, राहुल की बीवी रागिनी। पर सर, राहुल की पत्नी के पास ऐसी क्या वजह हो सकती कि वो अपने पति का ही खून कर दे? उस भोली भाली सीधी साधी दिखने वाली लड़की का एक प्रेमी भी है। तो सर, इंक्वायरी की शुरुआत किससे करें? इससे नहीं, इंक्वायरी की शुरुआत हम करेंगे सबसे कमजोर कड़ी से, यानी घर का नौकर। सर, मैंने नंदू के बारे में काफी छानबीन की, लेकिन नंदू का कुछ पता नहीं चला सर। मेरे खबरी अभी भी उसे ढूंढ रहे हैं। तो असलम कब काम आएगा? मेरा खास खबरी। तो ठीक है सर, मैं असलम से मिलता हूँ, नंदू की फोटो देता हूँ, देखते हैं क्या होता है। हम भी तो देखें कि आखिर ये छल किया किसने। नंदू का पता चल गया। नंदू
मैं कसम खा के कहता हूँ मैंने राहुल का खून नहीं किया है। हाँ ये अलग बात है कि अगर मेरा बस चलता तो मैं राहुल बाबा को खत्म कर देता, लेकिन हिम्मत नहीं होती थी। बहुत दलील किया उसने मेरे को, बहुत गालियां दी। हाँ ये मैं मानता हूँ कि मैंने उसके पैसे चुराए, ये मैं मानता हूँ। माना कि तुमने कत्ल नहीं किया, लेकिन ये बताओ कि तुमने चोरी क्यों की? जुमरे से 2 साल से चक्कर चल रहा था और उसने जिद पकड़ रखी थी कि मैं उसके साथ शादी कर लूं, और शादी करने के लिए पैसों की जरूरत पड़ती है, इसलिए मैंने चोरी की। अच्छा तो तू ये बता कि तूने चोरी कब करी? वो मैं किचन में सोया हुआ था, अचानक गोली की आवाज सुनी और मैं हॉल की तरफ भागा। वहां देखा राहुल गिरा हुआ था हॉल के अंदर। मैंने सोचा यही सही मौका है कि मैं पैसा चुरा कर यहाँ से भाग जाऊं। मैंने पैसे का बक्सा उठाया और वहां से भाग गया। चल ये बता कि अगर तूने राहुल का खून नहीं किया तो फिर किसने किया? उसकी सौतेली माँ ने। उसकी आंखों में आंखें मिलाकर देखो, आपको पता चलेगा कि उसी ने राहुल का खून किया है। उसी ने किया है। खींच लो इसे ऊपर। सर नौकर तो निर्दोष निकला। हाँ मगर वो अब भी मेरे शक के दायरे में है। मेरे शक के दायरे में हर वो इंसान रहेगा जब तक असली कातिल को सजा नहीं मिल जाती। सर जैसा कि राहुल के नौकर ने कहा था, राहुल की माँ के पास जाके इंक्वायरी की जाए। उससे पहले तुम राहुल की माँ की पूरी डिटेल्स निकालो। ठीक है। हाँ कहो। सर ये रहे राहुल की माँ के डिटेल्स। सुना है शादी से पहले वो किसी झोपड़पट्टी में रहती थी, और सबसे बड़ी खबर तो ये है सर कि आजकल उसका मूसा के यहाँ आना जाना है। मूसा? ये ले अपने पैसे। ये पैसे वापस क्यों कर रहे हो? ए! गेम खेलती है, मूसा के साथ गेम खेलती है। राहुल को मारने की सुपारी मुझे दी और कत्ल किसी और से करवा दिया। ये तुम क्या कह रहे हो? राहुल को तुमने नहीं मारा? नहीं मारा। मेरा आदमी राहुल को मारने के लिए उसके घर पर गया था। जैसे उसके घर में दाखिल हुआ, उसके घर से गोली की चलने की आवाज आई और वो डर के भाग गया। सुबह मैंने न्यूज में सुना कि राहुल का कत्ल हो गया है। अगर तुमने राहुल को नहीं मारा तो राहुल को किसने मारा? वैसे मैं आपको बता दूं कि आपकी कुछ हरकतों की वजह से आप भी हमारे शक के दायरे में आ रही हैं। अब देखिए ना, घर में जवान बेटा मर गया मगर आपके चेहरे पर गम की एक शिकन भी नहीं है। ऐसा क्यों? क्यों? क्योंकि आप ही ने अपने बेटे को मरवाया है। ये कैसी बातें कर रहे हैं अफसर? मैं भला अपने बेटे का क्यों खून करूं? क्योंकि राहुल आपका सौतेला बेटा था और सारी प्रॉपर्टी भी उसी के नाम पे थी। भले ही राहुल मेरा सौतेला बेटा था, लेकिन मैंने उसे कभी सौतेला नहीं समझा। जितना प्यार मैं अपने सगे बेटे से करती हूँ, उतना प्यार मैं राहुल से भी करती थी। और रही बात प्रॉपर्टी की, दौलत की तो कभी मुझे लालच ही नहीं थी, क्योंकि मेरी हर जरूरत को राहुल पलक झपकने से पहले ही पूरी कर देता था। और वैसे भी जिस वक्त राहुल का कत्ल हुआ था उस वक्त तो मैं अस्पताल में थी। चाहे तो आप अस्पताल की सीसीटीवी कैमरे की फुटेज देख सकते हो। माया जी, हमने तो आपसे पूछा ही नहीं कि जब कत्ल हुआ उस वक्त आप कहां थी। नहीं मतलब ऐसा भी तो हो सकता है कि
आपने राहुल का कत्ल करने के लिए किसी पेशेवर कातिल को सुपारी दी हो और कत्ल की रात जानबूझकर आप हॉस्पिटल में हो ताकि वो सीसीटीवी पर आपका चेहरा छप जाए। मैंने कहा ना अफसर कि राहुल की हत्या से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है और आप हमा का मुझ पर शक कर रहे हो और राहुल ने तो अपने हजारों दुश्मन बना रखे थे, किसी ने भी मार दिया होगा उसे। चलिए आप ही हमें कुछ राहुल के दुश्मनों के नाम बता दीजिए। जैसे कि वो पंडित जी, हमारे पड़ोसी, हमेशा झगड़ा होता रहता था उनका, उनसे जाकर क्यों नहीं पूछते। और वैसे भी राहुल के लाश के पास से वो स्मोकिंग पाइप के तंबाकू के टुकड़े मिले थे और पंडित जी भी तो वो स्मोकिंग पाइप पीते हैं ना, तो शायद उन्होंने ही कत्ल किया होगा उसका। सर आपने बिल्कुल सही कहा था, तंबाकू का रिश्ता जरूर कोई कातिल से रहा होगा। हाँ। चलो पंडित जी से मिलते हैं। पंडित जी, भाई हम तो सोच रहे थे कि हम किसी पंडित के घर जा रहे हैं तो हमारा स्वागत आरती की थाली से होगा, पूजा प्रसाद से होगा, मगर आप तो बंदूकधारी पंडित निकले। आई एम अर्जुन बख्शी, इंस्पेक्टर अर्जुन बख्शी। चलिए बताइए क्या वजह है इस दोहरी भूमिका की। आप कहना क्या चाहते हैं मिस्टर बख्शी, बात क्या है? आप अपने आप सच बताएंगे या हम अपने तरीके से सच गुलवाएं? कम ऑन पंडित जी। देखिए विद ऑल द ह्यूमिलिटी आई वुड लाइक टू टेल यू आई एम अ एक्स आर्मी मैन, लेकिन मेरे साथ एक बहुत अनफॉर्चुनेट वाकया हुआ था और वो ये था कि मेरा कोर्ट मार्शल करवा दिया गया था। बिकॉज आई हेटेड वॉर्स, आई हेटेड ब्लडशेड, आई हेटेड ऑल दीज थिंग्स, और मैंने अपने कमांडिंग ऑफिसर का कहना नहीं माना, उसको डिसोबेड किया, उसने मेरा कोर्ट मार्शल करवा दिया, मेरी बहुत बेइज्जती हुई, बहुत बेइज्जती हुई, इसलिए मैंने आमी को छोड़ दिया, आमी को तो छोड़ दिया और अपने पास्ट को छुपा दिया। कहानी अच्छी है, इंटरेस्टिंग, सुनकर बड़ा मजा आया पंडित जी उर्फ आर्मी ऑफिसर। आपने राहुल मल्होत्रा का खून क्यों किया? एक्सक्यूज मी, आई बेग योर पार्डन, आप मुझ पर सरासर इल्जाम लगा रहे हैं इंस्पेक्टर। हम सिर्फ अपनी तहकीकात कर रहे हैं। तहकीकात? लेकिन किस बिना पे तहकीकात कर रहे हैं? राहुल की लाश के पास तंबाकू के कुछ टुकड़े मिले हैं और तंबाकू पाइप में पिया जाता है और पाइप आप इस्तेमाल करते हैं पंडित जी। वो पाइप वो क्या था कि जिस दिन राहुल का कत्ल हुआ था उस दिन मैं उसके साथ शतरंज खेल रहा था और वो मुझे मुसलसल हरा रहा था, हर बाजी जीत रहा था,
मुझे बहुत गुस्सा आ गया, मैं तिल मिला सा गया। ये लीजिए पंडित जी, आज भी आप हार गए। You always win and I always lose, always lose. What the hell is this? बस यही समझ लीजिए कि इस तिल मिलाने में तंबाकू गिर क्या होगा। Well, यह भी तो हो सकता है कि तिल मिलाने में गुस्से में आकर आपने राहुल मल्होत्रा का खून कर दिया। ना, इट्स नॉट लाइक दैट। मैं वहां से सीधा अपने घर आया था, उस वक्त ठीक 7 बजे थे और राहुल का कत्ल 9 बजे हुआ था। Am I right? माना कि आप 7 बजे घर थे, लेकिन आप 9 बजे कहाँ थे? Precisely 8:30 को मैं होम मिनिस्टर साहब के घर में था, पूजा के लिए गया था और वहाँ पर आपके डिपार्टमेंट के बहुत बड़े बड़े ऑफिसर भी आए हुए थे, if I am not mistaken। अगर आपको हम पे यकीन नहीं होता तो CCTV चेक कर सकते हैं आप। वो फुटेज तो हम चेक करेंगे ही पंडित जी, लेकिन तब तक आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। जी। जब तक ये तहकीकात चल रही है, हमारी इजाजत के बिना आप ये शहर छोड़कर नहीं जाएंगे। थैंक यू सो मच। ये रही आपकी बंदूक। सी यू सून। ओह, थैंक यू वेरी मच। एक्सक्यूज मी मिस्टर बख्शी। मैं एक बात बताना तो आपको भूल ही गया कि राहुल का और उसके वॉचमैन का आपस में बहुत झगड़ा हुआ था। वॉचमैन ने उसको जान से मारने की धमकी भी दी थी। जब तक हम अपना बेइज्जती का बदला नहीं ले लेता, ये शहर छोड़ के नहीं जाऊंगा, छोड़ूंगा नहीं। This is for your information, Mr. Bakshi. इस वक्त वो वॉचमैन कहाँ मिलेगा? उठ। आराम हो रहा है। ताज्जुब की बात है कि किसी का खून करके कोई इंसान इतने आराम से कैसे रह सकता है। बहुत हो गया आराम, चलो पुलिस आ गई। तुमने तो सोचा होगा कि मैंने तो सारे सबूत मिटा दिए, पुलिस कैसे आएगी? मगर आ गई पुलिस। तुम्हें राहुल के खून के इल्जाम में गिरफ्तार करने आ गई। एक अपाहिज किसी का क्या खून करेगा साहिब? जो ठीक से चल भी नहीं सकता है साहिब, वो गोली का चलाई? राहुल की मौत के कुछ दिन पहले एक ट्रक के नीचे हमारा पांव आ गया। देखो, तब से खटिया में पड़े हैं, उठ नहीं सकते। गोली का चलाई? किसी को का मारते हैं? किसी को काम आते। क्या हुआ, किसको फोन लगा रही हो? विवेक को। विवेक ने उस दिन के बाद अपना नंबर बंद कर दिया है। हत्या करने के बाद विवेक कहीं भाग गया होगा, तू टेंशन मत ले। लेकिन उसे मुझसे तो कांटेक्ट करना चाहिए। चलो विवेक के घर चलते हैं। चलो। ताला लगा हुआ है, चलो प्रभात से पूछते हैं।
आया था कुछ दिन पहले, सामान उठा के चला गया। विवेक तो हमसे भी नहीं मिला। अरे उसका फोन ही बंद आ रहा है। और इतना डरा हुआ था जैसे किसी का खून करके आया हो। खून ही करके गया था वो। विवेक ने मेरे पति राहुल का कत्ल कर दिया। व्हाट? क्या क्या? हेलो रागिनी। विवेक कहाँ हो तुम? मुझे तुमसे मिलना है। मुझे भी तुमसे मिलना है रागिनी। तुम कहाँ हो? मैं अभी तुमसे मिलने आती हूँ। बहुत परेशान था तुम्हारे लिए। कहाँ चले गए थे तुम? तुम्हें पता है ना मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। रह तो मैं भी नहीं सकता तुम्हारे बिना, लेकिन ये पुलिस वाले मेरे पीछे इस तरह पड़े हैं जैसे मैंने किसी मिनिस्टर या किसी पुलिस वाले की हत्या कर दी है। मुझे मेरे मरने का अफसोस नहीं होगा रागिनी, अफसोस होगा उन बातों का जो मैंने तुम्हारे साथ खुश रहने के सपने देखे थे। वो सब सपने अब पूरे नहीं हो सकते। ऐसा मत कहो विवेक, हमारा हर सपना पूरा होगा। हम साथ जिएंगे और साथ मरेंगे। हालात अब वो नहीं रहे रागिनी, अब हमारा कोई सपना पूरा नहीं हो सकता। मैं समझ सकती हूँ, लेकिन एक बात मेरे समझ में नहीं आई। तुम इतने समझदार हो, इतने शांत स्वभाव के हो, फिर तुमने राहुल को गोली क्यों मारी? तो क्या करता मैं? उसे मैंने बहुत प्यार से समझाने की कोशिश की, लेकिन वो जिद्दी, वो घमंडी मेरी एक बात सुनने को तैयार नहीं था। इसलिए मैंने उसे 3 गोलियां ठोक दी। क्या हुआ रागिनी? कोई बुरा सपना देखा क्या? मैंने बहुत बुरा सपना देखा। आपके भोजपुरी मूवी का हीरो भी मिल गया है। तू समझने की कोशिश कर, मैं किसी से नहीं मिलना चाहता हूँ। विवेक यार, तू घुट घुट के ऐसे मर जाएगा। तू खुद के बारे में नहीं सोच सकता ना? रागिनी के बारे में सोच यार, वो तो उससे प्यार करती है। मैंने उसकी आंखों में तेरे लिए मोहब्बत देखी है। तो अगर उससे नहीं मिलना चाहता ना, तो कम से कम उसको फोन कर। नहीं, फोन नहीं, क्योंकि जरूर पुलिस उसका फोन टैप कर रही होगी, और इसीलिए मैंने अपना भी फोन बंद करके रखा है। और तुझे पता है, मैंने इसीलिए दूसरे के फोन से तुझे फोन किया था। तू एक काम कर, उसके घर चला जा और उसको लेकर आ जा यहाँ पर। ठीक है भाई, मैं लेकर आता हूँ, लेकिन सावधानी से। मुझ पे ट्रस्ट है ना? रागिनी। प्रभात, तुम यहाँ? हाँ रागिनी। विवेक का कुछ पता चला? वो ठीक तो है ना? कहाँ है विवेक? रागिनी, मैं जानता हूँ विवेक कहाँ है। प्लीज मुझे उसके पास ले चलो, मुझे अभी उससे मिलना है, प्लीज। रागिनी, मैं वहाँ तुम्हें ले तो चलूँ, पर किसी से बताना नहीं। तुम बस चलो। चलो। विवेक, ये रहा तुम्हारा प्यार। Thank you.
तेरी जमानत पे हमने दिल को रिहा किया, तेरी जमानत पे हमने दिल को रिहा किया, तू बना है जो मेरा हम कदम, साथ देगा तू मेरा हर कदम, वादा तूने किया। तेरी जमानत पे हमने दिल को रिहा किया, तेरी जमानत पे हमने दिल को रिहा किया। तुझ पे यकीन है मुझे खुद से भी ज्यादा, सांसों की धागों से तुझको है बांधा, तुझ पे यकीन है मुझे खुद से भी के धागों से तुझको है बांधा। तेरे ख्वाबों में तेरे याद में खोई मैं रहूं, तेरे बातों में कैसा जादू किया, तेरी जमानत पे हमने दिल को जमानत पे हमने दिल को रिहा किया। तेरी मुझको मिला है ठिकाना, तेरे करीब आके मैंने खुद को जाना, बाहों में तेरी मुझको मिला है ठिकाना, तेरे करीब आके मैंने खुद को जाना। तू ही रास्ता, तू ही रहनुमा, तू ही इबादत है, तू ही है खुदा, सजदा तुझको किया। तेरी जमानत पे हमने दिल को रिहा किया, जमानत पे हमने दिल को रिहा किया, दिल को रिहा किया, दिल को और तो तुम्हारा लुक और चुप्पी का खेल, अब अपने आप को पुलिस के हवाले कर दो। रागिनी, कौन
मैं तुम्हारी अंतरात्मा। ये क्या कर रही हो तुम? मैं क्या कर रही हूँ? कुछ भी तो नहीं किया मैंने। अच्छा, तुमने कुछ नहीं किया? एक सीधा साधा आदमी तुम्हारी वजह से खूनी बन गया। तुम्हारी वजह से वो दर बदर भटक रहा है। तुम्हारी वजह से उसकी जान खतरे में है। उसकी जिंदगी बर्बाद हो गई तुम्हारी वजह से। तुम कहती हो कि तुमने कुछ नहीं किया। मैंने तो नहीं बोला था उसे कि वो आकर मेरे पति का कत्ल कर दे। नहीं कहा था, लेकिन जो भी उसने किया तुम्हारी वजह से किया। उसकी अच्छी खासी जिंदगी थी, लेकिन तुम्हारे प्यार में पड़ के सब बर्बाद हो गया। तुम्हारे लिए उसने इतना बड़ा कदम उठाया। तुम्हारी खुशियों के लिए उसने अपने खुशियों का गला घोट दिया। तुम्हारी आजादी के लिए उसने राहुल का कत्ल किया है। हाँ, मैं जानती हूँ विवेक ने ये सब मेरे लिए किया, मेरे प्यार के लिए किया। मैं भी उससे बहुत प्यार करती हूँ और वक्त आने पे मैं उसे साबित भी कर दूंगी। वक्त आ चुका है रागिनी, तुम्हें अपना प्यार साबित करने का वक्त आ चुका है। अगर ये वक्त गुजर गया ना, तो ना तुम अपना प्यार साबित कर पाओगी और ना तुम खुश रह पाओगी। तो तुम ही बताओ, उसे इस जाल से आजाद करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? समझदार हो तुम, तुम्हें पता है कि तुम्हें क्या करना है। लेकिन कुछ करने से पहले अपने दिल की सुनना, दिमाग की नहीं। क्योंकि दिल भले ही लेफ्ट साइड में हो, लेकिन फैसला हमेशा राइट करता है। मैं विवेक को कुछ नहीं होने दूंगी। मैं विवेक का इल्जाम अपने सर ले लूंगी। पागल हो गई क्या रागिनी? विवेक बेकसूर है, उसने जो भी किया मेरी वजह से किया। राहुल तो मेरी जिंदगी का दर्द था, विवेक तो उसे निजात दिलवाने वाला था, जिसकी वजह से। सोच ले रागिनी, तेरी जिंदगी का सवाल है। सोच लिया, कल पुलिस स्टेशन जाके मैं सरेंडर कर दूंगी। इंस्पेक्टर साहब, मिसेज रागिनी मल्होत्रा, आज अचानक यहाँ कैसे आना हुआ? मैं अपने आप को कानून के हवाले करने आई हूँ। क्या मैं जान सकता हूँ किस जुर्म में? दरअसल मैंने ही अपने पति राहुल मल्होत्रा की हत्या की है। मैं परेशान हो गई थी, वो दिन रात मुझे टॉर्चर करता था, गंदी गंदी गालियां बकता था, लोगों के सामने मेरी बेइज्जती करता था। तंग आकर मैंने उसे जान से मार दिया। तो ये राज की बात आपने हमें पहले क्यों नहीं बताई? क्योंकि मैं जीना चाहती थी, लेकिन मैं इस गलती के बोझ को लेकर जी नहीं सकती थी, इसीलिए आपकी अंतर आत्मा जाग गई, आप आत्मलीन हो गई और अपने पाप का प्रायश्चित करने के लिए आप यहां आ गई हमारे पास। ये सब आप किस लिए कर रही हैं मिसेस मल्होत्रा? विवेक के लिए, अपने आशिक विवेक के लिए। मिसेस मल्होत्रा, हमने आपके फोन रिकॉर्ड्स चेक किए हैं, आप हर समय, हर मिनट, हर पल विवेक के टच में रहती हैं। इतना टच में तो कोई किसी अपने करीबी रिश्तेदार, किसी अजीज या किसी प्रेमी के टच में ही रहता है। हाँ, विवेक के साथ मेरा संबंध है, लेकिन उसका इस केस से कोई संबंध नहीं है। संबंध है। आपको पाने के लिए विवेक ने राहुल का खून कर दिया। क्या सबूत है आपके पास? कत्ल की रात से विवेक का अचानक गायब हो जाना, उसका मोबाइल स्विच ऑफ हो जाना, पुलिस को देखकर विवेक का भागना, और आज अचानक आपका यहाँ आकर सरेंडर कर देना, ये सब एक ही बात की तरफ इशारा देता है कि कातिल विवेक ही है।
हाँ पंडित जी, कैसे हैं आप? वो क्या है कि मैं अपने आप को इस मर्डर केस में इन्वॉल्व नहीं करना चाहता था सर, इसलिए मैंने आपको उस दिन एक बात नहीं बताई कि मैंने राहुल के कातिल को देखा है। अच्छा जी, वो क्या है कि जब कातिल राहुल के घर की तरफ घुस रहा था तो उस वक्त मैं अपने बगीचे में टहल रहा था, अंदर से अचानक 3 गोलियों की आवाज आई। मैं चौंक कर राहुल के घर की तरफ बढ़ा और मैंने एक शख्स को हड़बड़ाकर भागते हुए देखा, वही कातिल था। आप उस इंसान को पहचान सकते हैं? जी डेफिनेटली पहचान सकता हूँ। कातिल का स्केच बनवा सकते हैं? ओह यस, एनी टाइम आई विल डू दैट। कल सुबह 10 बजे आप ऑफिस में आ जाइए, हम स्केच आर्टिस्ट को बुलवाते हैं। यस सर। मिसेज मल्होत्रा, मिल गया सबूत। कल सुबह पंडित जी आएंगे, यहाँ पर कातिल का स्केच बनवाएंगे, उसके बाद उस स्केच के पोस्टर हम सारे शहर में लगा देंगे। कोई ना कोई तो कातिल को पुलिस के हवाले कर ही देगा या जान से मार देगा, क्योंकि उस पोस्टर पर लिखा होगा इनाम 1,00,000, जिंदा या मुर्दा। ये सब क्या हो गया विवेक? क्यों तुम मेरे लिए राहुल के कातिल बन गए? मैंने राहुल का कत्ल नहीं किया है। विवेक, अब हमसे सच्चाई मत छुपा। मैं सच्चाई नहीं छुपा रहा हूं, तुम सबको हकीकत का आईना दिखा रहा हूं। हाँ, मैं गया था राहुल के घर पर, राहुल को बहुत समझाने की कोशिश की। सुनो, देखो राहुल, रागिनी तुम्हारे साथ खुश नहीं है, वो तुमसे तलाक लेकर मेरे साथ शादी करना चाहती है। मतलब तू मेरा घर तोड़ के खुद का घर बसाना चाहता है? ऐसा तो मैं होने नहीं दूंगा। और सुन, आज के बाद मेरी बीवी के आसपास भी नजर आया तो उसको तो मैं मारूंगा ही मारूंगा, लेकिन तुझे भी मैं जान से मार दूंगा। इस बंदूक से डरने वालों में से नहीं हूं राहुल। ये खिलौना मेरे गांव के हर दूसरे घर में बनता है, सोचा था बातों से मेरी बात तुम्हें समझ में आ जाएगी, लेकिन इस वक्त तुम्हारे सर पर खून सवार है, इसलिए जा रहा हूं, लेकिन मेरी बातों पे गौर जरूर करना। और हां, रागिनी की आंखों से अगर एक आंसू भी बहाना तो खून की नदियां बहा दूंगा। और मैं चला गया वहां से, बहुत टेंशन में था मैं। सुबह पता चला कि राहुल का खून हो गया है, मैं डर गया कहीं उसके खून का इल्जाम मुझ पे ना आ जाए, और मैं अपने घर से भाग गया। तब से भागता हुआ फिर रहा हूं। भागता हुआ फिर रहा हूं? अबे तेरी इस बात में जरा भी सच्चाई नहीं है। चलो मान लेते हैं कि तू सच बोल रहा है, लेकिन अगर पुलिस वालों ने तेरी कहानी को सच नहीं माना तो? अब तो पुलिस वालों के पास सबूत भी है। सबूत? मेरे पड़ोसी पंडित जी, जिन्होंने तुम्हें घर में जाते हुए देखा था और वापस घबरा कर बाहर आते हुए देखा था, अब कल तो वो तुम्हारी स्केच भी बनवा रहे हैं। और विवेक बाबू, अगर पंडित जी ने तुम्हारा स्केच बनवा दिया ना, तो तुम्हारा जो ये चेहरा है ना, ये जग जाहिर हो जाएगा। पंडित? Thank you.
मुझे पता था कि तू हमारे इस जाल में फंस ही जाएगा। मुजरिम चाहे कितना भी शातिर हो, वो ये भूल जाता है कि पुलिस हर मुजरिम के पीछे परछाई की तरह पड़ी होती है। और मौका आते ही वो परछाई मुजरिम पर हावी हो जाती है और उसे पकड़ लेती है। तेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। अब मजे की बात सुन, हकीकत तो यह है कि पंडित जी ने कभी भी तुझे राहुल के घर आते जाते देखा ही नहीं था। यह तो मेरा एक प्लान था जिसे अंजाम देने के लिए मैं पंडित जी से मिला। पंडित जी, राहुल के कातिल को बिल से बाहर निकालने के लिए हमें आपकी मदद की जरूरत है। डोंट वरी, आई विल हेल्प यू सर। जब भी रागिनी हमारे सामने होगी, मेरा ये कॉप अपने मोबाइल से आपके मोबाइल पर एक मैसेज करेगा। सर, वो मैसेज मिलते ही आप मेरे मोबाइल पर एक वीडियो कॉल करेंगे। सर, जिसमें आप ये कहेंगे कि आपने कातिल को देखा है और आप कातिल का स्केच बनवाने में पुलिस की मदद करेंगे। रागिनी ये बात सुनकर अपने आशिक विवेक को जरूर कॉल करेगी। हो सकता है विवेक ये बात सुनकर कोई गलती कर बैठे। हो सकता है वो आपकी जान लेने की भी कोशिश करे, मगर फिक्र मत कीजिए, यही गलती करते हुए हम उसे रंगे हाथों पकड़ना चाहते हैं। तुझे बिल से निकालने का मेरे पास यही एक रास्ता था। तू खुद ब खुद अपने बिल से बाहर निकलकर हमारे जाल में फंस गया। गेम ओवर। तू है राहुल का कातिल? हाँ मैं ही हूँ कातिल। मैंने मारा उस राहुल को, तंग आ गया था मैं उसकी ब्लैकमेलिंग से। हर महीने पैसे गिर गिराए मैं उसके सामने। एक बार नहीं, हजार बार हाथ जोड़े उसके सामने। आपको जितने पैसे चाहिए मुझसे एक बार ले लो और प्लीज इस मामले को खत्म करो। सोचूंगा इस बारे में, अगले महीने कोई रास्ता निकाल लेंगे। अब तुम जा सकते हो। मगर उसे तो बस जैसे लोगों को तकलीफ देने में मजा आता था, सुकून मिलता था उसे। जिस दिन मैंने उसे मारा उस दिन भी उसके सामने हाथ जोड़कर मिन्नत मांगता रहा। आपको जितना भी पैसा चाहिए आप ले लो, मगर आप मुझे मेरी और मेरी गर्लफ्रेंड की तस्वीर दे दो प्लीज। एक बार नहीं, हजार बार गिड़गिड़ाया उसके सामने, लेकिन वो नहीं माना। तभी रागिनी वहां पर आ गई। मेरी बीवी आ गई, चल तू जा। राहुल ने मुझसे जाने के लिए कहा, मैं वहां से चला गया और तभी मैंने विवेक को राहुल के घर में दाखिल होते हुए देखा। क्योंकि मैं इन दोनों के रिश्ते को बहुत अच्छे से जानता था, इसलिए मैं वहां पर रुक गया और छुप छुप कर विवेक और राहुल की बातें सुनने लगा। पिस्टल को टेबल पर रखकर शराब पीने बैठ गया। राहुल मल्होत्रा ना, कोई होशियारी नहीं, उठ उठ। इजी, चल सकती है, इट्स लोडेड। चल फोटोज के हार्ड डिस्क दे, चल। या और पूरी तीन गोलियां उसके जिस्म के अंदर मैंने उतार दी। और फिर जाकर अपनी कार में बैठ गया। फोटोज की हार्ड डिस्क तो मिली। तभी मुझे ख्याल आया कि मुझसे एक बहुत बड़ी गलती हुई, लेकिन इसको हासिल करने के चक्कर में राहुल को जान से मारना पड़ा। अच्छा हुआ जो उस हरामजादे को जान से मार दिया। प्रिया तू? हाँ मैं ही जीवन की गर्लफ्रेंड हूँ। राहुल ने मेरी और जीवन की तस्वीरें खींची थी,
राहुल की ब्लैकमेलिंग से हम परेशान हो गए थे, और फिर एक दिन जीवन ने मुझसे कहा, इस राहुल ने तो जीना मुश्किल कर दिया है, इसका तो कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। तुम एक काम करो, राहुल की बीवी से दोस्ती कर लो और कैसे भी करके वो फोटोज के हार्ड डिस्क को हासिल करो। ठीक है, उसके बाद मैंने रागिनी से दोस्ती कर ली, सोचा तुम्हारे जरिए हार्ड डिस्क हासिल कर लेंगे, मगर कभी मौका ही नहीं मिला। और फिर उस दिन जीवन ने राहुल को मार डाला, हमने सोचा हमारी सारी परेशानियां खत्म हो गई, मगर मोबाइल, लगता है हाथापाई में मेरा मोबाइल राहुल के घर में गिर गया, अगर किसी के हाथ लग गया तो मैं भी लेकर आता। नहीं जीवन, तुम मत जाओ, वहां से निकलते तुम्हें किसी ने देख लिया होगा, तुम्हें पहचान लिया तो मुश्किल हो जाएगी, तुम यहीं पर रुको, मैं लेकर आती हूँ और फिर मैं तुम्हारे घर आ गई। हम एक काम करते हैं, के बाद मैं घबरा गया था, मुझे लग रहा था कि पुलिस मुझ तक कभी भी पहुंच सकती है, इसलिए मैंने प्रिया से कहा, हेलो प्रिया, पुलिस राहुल के मर्डर केस की तहकीकात बहुत जोरों से कर रही है, हमें चौकन्ना रहना पड़ेगा, तुम एक काम करो, परछाई की तरह रागिनी के साथ हर वक्त मौजूद रहो ताकि हमें पुलिस के सारे मूवमेंट्स की जानकारी मिल सके। ठीक है, मैं साथ में रहूंगी। जिस वक्त पंडित जी ने आपको स्केच बनाने के लिए कहा, तो पुलिस स्टेशन से बाहर निकलकर प्रिया ने मुझे फोन पर ये सारी बातें बता दी। जीवन, मैं आज रागिनी के साथ पुलिस स्टेशन गई थी, वहाँ पे पंडित ने इंस्पेक्टर को बताया कि उसने राहुल के घर से कातिल को निकलते हुए देखा है। ये क्या कह रही हो तुम? कल वो स्केच बनवाने आने वाला है पुलिस स्टेशन। तुम घबराओ मत, मैं वो स्केच कल बनने ही नहीं दूंगा, बस मुझसे यही गलती हो गई कि मैं पंडित के घर उसे मारने चला गया और आप लोगों ने मुझे गिरफ्तार कर लिया। मुजरिम चाहे कितना भी शातिर क्यों ना हो, वो कोई ना कोई गलती जरूर कर बैठता है, और उसी गलती को ढाल बनाकर हम पुलिस वाले उस मुजरिम तक पहुंच ही जाते हैं। ले जाओ इन्हें। Come on. Well, मुजरिम पकड़ा जा चुका है, अब आप लोग भी जा सकते हैं, और तुम दोनों की नई जिंदगी की शुरुआत हो रही है। All the best. Thank you, sir. चल, ये है चल, ये है चल, ये है चल।
चल चल चल, चल।